सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का श्री संकल्प के YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारा अंतिम क्लास में डिस्कशन हुआ था कि सर VSSC के पेपर सॉल्व करें, तो उसी सीरीज को मैं लेके आया हूँ। आज एक पेपर लेके आया हूँ VSSC का, इसरो स्पेशल पेपर है। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, स्वागत है सभी का। एक बार क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि और लोग जुड़ सके और क्लास का पूरा फायदा ले सके। सभी क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही अच्छा पेपर है और इसरो स्पेशल पेपर है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोको पायलट में भी रिपीट हुए हैं। तो ALP और इसरो दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट पेपर है ये। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं शेयर कर दीजिए, मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास। आज की क्लास के लिए पहला क्वेश्चन है, एक RLC परिपथ में अनुनाद कब होता है? जब धारिता प्रतिघात प्रतिरोध के समान होता है तब होता है, जब धारिता प्रतिघात प्रेणित प्रतिघात के समान होता है तब होता है, धारिता प्रतिघात शून्य होता है तब होता है, धारिता प्रतिघात प्रेणित प्रतिघात एवं प्रतिरोध के योज्य के समान होता है तब शून्य होता है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं कंप्लीट थ्योरी साथ में बताऊंगा भाई, हर क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अनुनाद क्या होता है। अनुनाद रेजोनेंस क्या होता है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अनुनाद रेजोनेंस की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, RLC परिपथ के ऐसी स्थिति जिसमें धारा एवं विभव समान कला में हो, समान कला में हो। RLC परिपथ की ऐसी स्थिति जिसमें धारा और विभव समान कला में हो, अनुनाद कहलाता है। जैसे एक जनरल चीज बताऊं मैं आपको, बहुत सी बार आपने अपने दोस्तों सुना होगा कि मेरी और इसकी अच्छी ट्यूनिंग है। जो ट्यूनिंग बोलते हैं ना हम लोग, वही अनुनाद है। अच्छी ट्यूनिंग होने का मतलब होता है साथ साथ रहना, साथ रहना, इसका मतलब ट्यूनिंग क्या है, अच्छी है। और इसी चीज को क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। टेक्निकल भाषा में इसको अनुनाद रेजोनेंस कहा जाता है। अब यहाँ विद्युत परिपथ है, तो यहाँ पे आदमी तो होंगे नहीं साथ रहने के लिए, यहाँ पे कौन होंगे, धारा और विभव। तो RLC परिपथ की ऐसी स्थिति जिसमें धारा और विभव समान कला में होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। और समान कला में रहेंगे तो कलांतर कितना होगा, कलांतर आपके पास फाई हो जाएगा 0 डिग्री, और कलांतर फाई 0 डिग्री है तो शक्ति गुणांक क्या होगा, शक्ति गुणांक cos phi बराबर हो जाएगा 1। तो अनुनाद की स्थिति में कलांतर फाई 0 होता है, शक्ति गुणांक आपके पास क्या होता है, 1 होता है अनुनाद में। अब अनुनाद के लिए भाई साथ साथ रहना है, तो आपने देखा होगा प्रेरक कहता है धारा को पीछे रखूंगा, संधारित्र कहता है धारा आगे रहेगी। अब साथ तभी हो सकते हैं जब उसमें प्रेरक और संधारित्र दोनों हो। तो विशेष बात यह है, अनुनाद के लिए परिपत्र, अनुनाद के लिए परिपथ में प्रेरक एवं संधारित्र दोनों का होना आवश्यक है, दोनों का होना आवश्यक है। अनुनाद के लिए परिपथ में प्रेरक भी होना चाहिए, संधारित्र भी होना चाहिए। अब प्रेरक और संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी परिपथ हो जाएगा, समांतर क्रम में है तो समांतर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सामान्य श्रेणी क्रम परिपथ और RLC जिसमें आपके पास प्योर इंडक्टर है, वो समांतर क्रम परिपथ, दोनों में सेम ही कंसेप्ट होता है। दोनों में अनुनाद के लिए अक्ष L का मान अक्ष C के बराबर होता है। सामान्य श्रेणी क्रम परिपथ कह दो और RLC समांतर, जिसमें RL और C तीनों समांतर में, अगर RL के साथ श्रेणी में है तब नहीं होगा ये, बाकी RLC तीनों समांतर में है, तो अक्ष L बराबर अक्ष C की स्थिति में
मतलब जो पीछे रखने वाला और आगे रखने वाला अगर दोनों बराबर के हो जाएंगे तो धारा विभव के साथ रह जाएगी, और इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, अनुनाद कहा जाता है। तो यहां पर पहला कह रहा है कि अक्ष सी है वो आर के बराबर होने पर अनुनाद होगा, नहीं ये गलत बात है। दूसरा कह रहा है धारितीय प्रतिघात प्रेणी प्रतिघात के बराबर होगा तब अनुनाद होगा, सही बात है ये। तीसरा कह रहा है धारितीय प्रतिघात शून्य होने पर अनुनाद होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और चौथा कहता है धारितीय प्रतिघात प्रेणी प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात है प्रेणी प्रतिघात और प्रतिरोध के योग के तुल्य है, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर आपके पास हो जाएगा बी, बी आपके पास सही आंसर होगा। और लगभग सभी साथियों ने भी आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया। अक्षल बराबर अक्षी की स्थिति में अनुनाद होगा, अक्षी बराबर एक बटा ओमेगा सी होता है, अक्ष एल बराबर ओमेगा एल होता है। लगभग सभी ने सही आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एन प्रकार का अर्चालक, एन प्रकार का अर्चालक बनाने के लिए सिलिकन में कौन सी अशुद्धि बनाई मिलाई जाती है, आर्सेनिक गैलियम एल्यूमिनियम बोरॉन, कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं एन प्रकार का अर्चालक बनाने के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अपदैर्वी अर्चालक जिन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, अपदैर्वी अर्चालक, अपदैर्वी अर्चालक वो होते हैं जिनमें अशुद्धियां मिली हुई होती हैं, क्योंकि शुद्ध अर्चालकों की चालकता कम होती है, शुद्ध अर्चालकों की चालकता कम होती है, इनकी चालकता बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है, और अशुद्धि मिलाने से बनने वाले अर्चालक अपदैर्वी अर्चालक होते हैं। अपदैर्वी अर्चालक आपके पास दो प्रकार के हो सकते हैं, पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप दो प्रकार के अपदैर्वी अर्चालक हो सकते हैं। पी प्रकार का जो अपदैर्वी अर्चालक है ये किससे बनता है, ये बनता है शुद्ध अर्चालक, शुद्ध अर्चालक प्लस त्रिसंयोजी अशुद्धि, त्रिसंयोजी अशुद्धि, त्रिसंयोजी अशुद्धि को आप तेरहवें समूह की अशुद्धि भी कह सकते हैं, तेरहवां समूह कह सकते हैं, इसको आप ग्राही अशुद्धि भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कहें तो इसे एक्सेप्टर इंप्यूरिटी भी कहा जाता है, एक्सेप्टर इंप्यूरिटी भी कहते हैं। तो त्रिसंयोजी अशुद्धि को तेरहवां समूह है, ग्राही या एक्सेप्टर इंप्यूरिटी के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान दीजिएगा, पी फॉर पापा, पापा जब मार्केट जाते हैं तो आलू मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बैंगन बोरॉन गाजर गैलियम, और थैले में डाल के लाते हैं तो इन थैला कह सकते हैं इंडियम। ये सारी प्रकार की जो अशुद्धियां होती है ये कौन सी होती है, त्रिसंयोजित अशुद्धि होती है। और एन प्रकार का अर्चालक बनाना है आपको, एन टाइप अर्चालक बनाना है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास शुद्ध अर्चालक होगा, शुद्ध अर्चालक होगा, और उसके अंदर हम बनाएंगे कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे, पंच संयोजी अशुद्धि मिलाएंगे, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी बनाएंगे। और जो पंच संयोजी अशुद्धि है इसको कह सकते हैं दाता अशुद्धि, इसी को दाता अशुद्धि कह सकते हैं। ये पंद्रहवें ग्रुप में पाई जाती है, पंद्रहवें समूह में पाई जाती है, इसको डोनर, इंग्लिश में डोनर भी कह सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं आर्सेनिक एंटीमनी फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंटीमनी फास्फोरस, ये आपके पास कैसी अशुद्धियां होती है, पंच संयोजी अशुद्धियां होती है जो एन प्रकार का अर्चालक बनाती है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक ए, सही आंसर होगा यहाँ पर, सही आंसर ए होगा आर्सेनिक, आपके पास पंच संयोजी अशुद्धि है जो एन प्रकार का अर्चालक बनाती है। सभी भाइयों ने ए आंसर दिया है, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चन मैंने और बताए हैं वो भी साथ साथ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन और है, मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पी प्रकार के अर्चालक में फर्मी लेवल कहाँ होता है, एन प्रकार के अर्चालक में फर्मी लेवल कहाँ होता है, ये दो क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। पी प्रकार के अर्चालक में फर्मी लेवल, पी टाइप में फर्मी लेवल, फर्मी लेवल कहाँ होता है, और एन टाइप में फर्मी लेवल कहाँ होता है, दो प्रकार के दो क्वेश्चन आपके हैं, एन टाइप में फर्मी लेवल कहाँ होता है। फर्मी लेवल का मतलब है जहां पर इलेक्ट्रॉन के या होल्स के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है,
तो पी प्रकार के अचालक में फर्मी लेवल कहाँ होगा, मैं बना देता हूं यहां पर। ये तो चालन बैंड है, ये आपके पास कौन सा है, सही ऊपर वाला चालन बैंड है और नीचे वाला आपके पास कौन सा है, संयोजी बैंड है। चालन बैंड, संयोजी बैंड, पी प्रकार के अचालक में जो फर्मी लेवल है संयोजी बैंड के ठीक ऊपर होता है, संयोजी बैंड से ठीक ऊपर 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो संयोजी बैंड से ठीक ऊपर, संयोजी बैंड से ठीक ऊपर, ये याद रख लेना भाई। पी प्रकार के अचालक में फर्मी लेवल कहाँ होता है, संयोजी बैंड के ठीक ऊपर होता है पी प्रकार के अचालक में। और एन प्रकार के अचालक में फर्मी लेवल, ये आपके पास कौन सा है, चालन बैंड, ये आपके पास कौन सा है, संयोजी बैंड, ये चालन बैंड है, चालन बैंड, और ये है संयोजी बैंड। अगर एन प्रकार का अचालक है तो फर्मी लेवल कहां होगा, संयोजी बैंड के ठीक नीचे, संयोजी बैंड के ठीक नीचे, यहां पर आपका फर्मी लेवल होगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस करता है, ये आपका फर्मी लेवल है। और कहां है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वह गलत लिख दिया भाई, ये है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, और ये है चालन बैंड, उल्टा लिख दिया भाई, ऊपर होगा चालन बैंड, तो चालन बैंड के ठीक नीचे ना, चालन बैंड के ठीक नीचे, कई बार लिखा जाता है तो ध्यान दीजिएगा इस चीज का। तो अगर मैं बात करूं पी प्रकार का अचालक तो फर्मी लेवल क्या होगा, संयोजी बैंड के ठीक ऊपर। अगर मैं बात करूं एन प्रकार का अचालक तो फर्मी लेवल क्या होगा, चालन बैंड के ठीक नीचे आपके पास क्या होगा, फर्मी लेवल होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 555 टाइमर आईसी का अनुप्रयोग क्या है, क्या अनुप्रयोग में लेते हैं 555 टाइमर आईसी को, काउंटर के रूप में इसको काम में लेते हैं, टाइमर के रूप में काम में लेते हैं, कंपैरेटर के रूप में काम में लेते हैं, या एम्पलीफायर के रूप में काम में लेते हैं। थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूं मैं। 555 टाइमर क्या होता है, 555 टाइमर, तो 555 टाइमर क्या होता है, ये 8 पिन आईसी है। पहली बात तो 8 पिन DIL ड्यूल इनलाइन पैकेज आईसी है, आईसी है, ठीक है, मुख्य तौर पे 8 पिन DIL आईसी है टाइमर, 555 टाइमर। और इसका एक दूसरा वर्जन और आता है 556, इसमें आपके पास क्या होता है, ये 2555, 2555 टाइमर आईसी, टाइमर आईसी पाई जाती है। 556 में दूसरी आईसी की बात करें तो 2555 आईसी पाई जाती है। इसकी बात हम नहीं कर रहे, इसकी बात करेंगे 555 टाइमर का उपयोग कहां है। एक तो इसका प्रयोग करते हैं मल्टी वाइब्रेटर बनाने में, मल्टी वाइब्रेटर बनाने में। और मल्टी वाइब्रेटर आपके पास किसकी तरह काम करते हैं, टाइमर की तरह काम करते हैं, मल्टी वाइब्रेटर किसकी तरह काम करते हैं, टाइमर की तरह काम करते हैं। और दूसरा इसका प्रयोग करते हैं वीसीओ बनाने में, किसकी किस बनाने में, वीसीओ वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर बनाने में इसको काम में लिया जाता है। बाकी अगर मैं बात करूं किसकी तरह, काउंटर, काउंटर के रूप में, काउंटर अगर आपको बनाना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा फ्लिप फ्लॉप का, टाइमर का इस्तेमाल नहीं करना, फ्लिप फ्लॉप का करना पड़ेगा। अगर आपको टाइमर बनाना है तब 555 काम में लेंगे, अगर आपको कंपैरेटर और एम्पलीफायर बनाना है तो ऐसी स्थिति में किसकी जरूरत पड़ती है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओपन जो आईसी है वह कंपैरेटर और एम्पलीफायर दोनों की तरह कार्य करती है, ओपन जो आईसी है कंपैरेटर और एम्पलीफायर दोनों की तरह कार्य करती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, सभी बी आंसर दे रहे हैं, अच्छी बात है, सही आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एलईडी प्रकाश का उत्सर्जन तब करती है जब वह कौन से बाइस में होती है, जब वह अग्र बाइस में होती है, फॉरवर्ड बाइस कह सकते हैं, या रिवर्स बाइस में होती है, जब बाइस नहीं होती, या इनमें से कोई नहीं, कौन सी स्थिति में एलईडी प्रकाश का उत्सर्जन करती है। तो एलईडी की मैं बात करूं, एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड, एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी होती है। और जब मैं बात करूं एलईडी का सिद्धांत, सिद्धांत क्या होता है एलईडी का, तो एलईडी काम करती है इलेक्ट्रोल्यूमिनेस इफेक्ट पर,
इलेक्ट्रोल्यूमिनस इफेक्ट पर काम करती है एलईडी, और ये हमेशा डायरेक्ट बैंड गैप वाले पदार्थों की बनाई जाती है, डायरेक्ट बैंड गैप वाले पदार्थों की, बैंड गैप वाले पदार्थों की बनती है एलईडी। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, जो एलईडी है, एलईडी कभी भी सिलिकॉन व जर्मेनियम की नहीं बनाई जाती, इसके अलावा ध्यान में रखना है, दृश्य प्रकाश के लिए वर्धित उजान काल, दृश्य प्रकाश के लिए एलईडी के पदार्थ का वर्धित उजान काल ईजी का मान 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए दृश्य प्रकाश के लिए। लेकिन अगर आपको इंफ्रारेड एलईडी बनानी है तो कम रख सकते हो, इंफ्रारेड एलईडी है वो कम में बन जाएगी, लेकिन वो किसकी बनती है, गैलियम आर्सेनाइड की इंफ्रारेड एलईडी बनती है, जिसका वर्धित उजान काल 1.8 से कम होता है फिर भी बनती है, क्योंकि वो दृश्य प्रकाश में नहीं आता। तो यहाँ पे एलईडी को सदैव कौन से वायस में जोड़ते हैं, पहले एलईडी का सिंबल बना देता हूं। एलईडी का जो सिंबल है, प्रकाश बाहर निकलेगा इसलिए बाहर की तरफ प्रकाश जाता हुआ दिखा दीजिए, और इसके अलावा इसका कह सकते हैं बायसिंग कौन सी काम में लेते हैं, एलईडी में बायसिंग काम में लेते हैं फॉरवर्ड बायस, कौन सी बायसिंग काम में लेते हैं, फॉरवर्ड बायस का प्रयोग करते हैं एलईडी के लिए। तो सही आंसर आपके पास हो जाएगा ए सही आंसर होगा, एलईडी को कौन से बायस में इस्तेमाल किया जाता है, एलईडी को फॉरवर्ड बायस में इस्तेमाल किया जाता है। एलईडी का ऑपरेटिंग वोल्टेज 1.5 वोल्ट लगभग होता है, वैसे बच्चा कह रहा है 1.8 से 3 वोल्ट होता है, तो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज आप कह सकते हो 1.5 वोल्ट से 3 वोल्ट होता है, नॉर्मली 1.5, 1.8 भी ले सकते हैं, 1.8 से भी बता सकते हैं। हाँ जी, 555 की पिनों के बारे में अभी क्वेश्चन आ जाएगा, उसको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, एक चीज बताइए भाई, क्लियर दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा बता दीजिए। एक कालू सिंह कह रहा है सर साफ दिखाई नहीं दे रहा, क्या क्लियर नहीं दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा तो बता दीजिए, इंटेंसिटी कम करेंगे कुछ और करेंगे, क्योंकि यहां से जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो एकदम क्लियर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मेरे सामने स्क्रीन चल रही है उस पर साफ दिख रहा है, मुझे साफ दिख रहा है। रिवर्स बायस में जनरल डायोड काम में लेते हैं, कालू सिंह साफ, यहां पे तो साफ साफ है, आपके मोबाइल में आपकी कोई प्रॉब्लम होगी उसको आप सुधार कीजिए, या तो आपने कह सकते हैं पिक्सल सेटिंग बहुत कम ले रखी होगी तब दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ जी, एक जर्मेनियम डायोड की वोल्टा कितनी होती है, जीरो पॉइंट सात वोल्ट होती है, 0.3 वोल्ट होती है, 1.2 वोल्ट होती है, 1 वोल्ट होती है। तो देखिए, सबसे पहले डायोड में एक शब्द आता है बैरियर पोटेंशियल, डायोड में बैरियर पोटेंशियल। देखो, डायोड में बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, ये वह पोटेंशियल है जिससे डायोड बैरियर का काम करता है। बैरियर का काम करने का मतलब है आवेश वाहक के आगमन को रोकता है, आवेश वाहक के आगमन को रोकने वाला पोटेंशियल होता है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो बैरियर पोटेंशियल है जर्मेनियम के लिए होता है 0.2 से 0.3 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के लिए होता है बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, अब यही जो बैरियर पोटेंशियल है यही डायोड की बन जाती है वोल्टा कटौती, जब ये फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो यही क्या बन जाती है, वोल्टा कटौती बन जाती है। और हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम के लिए कितनी होगी, 0.3 वोल्ट होगी, जर्मेनियम डायोड के लिए बैरियर पोटेंशियल का मान 0.3 वोल्ट होगा। सभी 0.3 आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, सभी भी आंसर दे रहे हैं। राजपाल 0.7 भी दे रहा है, 0.7 किसके लिए होगा, सिलिकॉन डायोड के लिए होगा, सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 होगा, जर्मेनियम के लिए 0.2 से 0.3 होगा। साफ बिना करे हो गया क्या बेटा? हाँ जी, एक विद्युतरोधी पदार्थ के लिए सबसे अच्छा गुण क्या होना चाहिए, एक विद्युतरोधी पदार्थ होते क्या है, सबसे पहली बात तो यह है विद्युतरोधी पदार्थ,
विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थों की जब भी बात करें ना, तो ऐसा कह सकते हैं धारा प्रवाह को रोकने वाले, धारा प्रवाह को रोकने वाले, धारा प्रवाह को रोकने वाले पदार्थ विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। और इनका प्रयोग कहां करते हैं? इंसुलेशन के रूप में प्रयोग करते हैं, इंसुलेशन के रूप में, के रूप में, इंसुलेशन के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भी आप कहीं भी इंसुलेशन के रूप में काम में लो, कई बार लिखा हुआ होता है कि ये इंसुलेशन इस वोल्ट तक ही काम आता है, इससे ऊपर काम में नहीं आता, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वही तक धारा प्रवाह को रोकती है। उससे ज्यादा धारा होने पर वो इंसुलेशन क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। कई आपने देखा है कभी कि जो हाई वोल्टेज लाइन है उसके ऊपर हम इंसुलेशन लगाते हैं? नहीं लगाते, क्योंकि उसके ऊपर इंसुलेशन काम ही नहीं करता, वर्क ही नहीं करता। तो इंसुलेशन जो है आपके पास लो वोल्टा लाइनों में ही, लो और मिडिल में ही काम में लेते हैं, क्योंकि इंसुलेशन की एक स्ट्रेंथ होती है जिसको बोलते हैं डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी इंसुलेशन की। डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ही उस इंसुलेशन की गुणवत्ता को दर्शाती है। तो एक तो सबसे पहले बात है, क्या इंसुलेशन में डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी? बात तो सही है। क्या थर्मल कंडक्टिविटी, क्या कोई भी इंसुलेशन ऐसा है जो ऊष्मा का प्रवाह करना चाहिए? भाई नियम तो यही कहता है कि ऊष्मा का प्रवाह कम से कम करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। तो विद्युत का प्रवाह नहीं करा तो ऊष्मा के प्रवाह की कहां जरूरत पड़ रही है? कहने का मतलब इस इंसुलेशन में क्या थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मजबूत बहुत ज्यादा होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर कम मजबूत है, भाई हम जो वायर काम में लेते हैं, वायर पे इंसुलेशन लगाते हैं, वो इतना मजबूत नहीं होता, हमको छील लेते हैं, काट भी लेते हैं, तो वो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन फिर भी वो अच्छे इंसुलेशन का काम करता है। तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि वो मिट्टी का बना हुआ हो। ठीक है, इसके बाद हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, क्या किसी भी इंसुलेटर से धारा प्रवाहित होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, ये तो पूरी गलत बात है। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, एक विद्युत रोधी में सबसे अच्छा गुण क्या होता है? विद्युत रोधी या कि इंसुलेटर कह दीजिए, उसमें हाई डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये आंसर हो जाएगा हाई डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। भाई कह रहा है हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी क्यों होनी चाहिए? थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है वो ऊष्मा का प्रवाह करे। क्या कोई भी इंसुलेटर है ऊष्मा का प्रवाह करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कम से कम करे तो भी ठीक है, थोड़ा बहुत करे तो भी चला सकते हैं ऊष्मा के प्रवाह में तो, लेकिन क्या हो ज्यादा ऊष्मा का प्रवाह करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, इस चीज को नहीं मानेंगे भैया ना। और कोई डाउट है किसी का? चलो अच्छी बात है, सिक्स में ए आंसर हो जाएगा, हाई डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संघट प्रिंटर है? प्रिंटर है संघट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर कह सकते हैं, लेजर प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंक जेट प्रिंटर है, बबल जेट प्रिंटर है। अब थोड़ा सा आपको इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में पता होना चाहिए भाई, कि इंपैक्ट प्रिंटर होता क्या है। अगर आपको ये पता होगा इंपैक्ट क्या होता है, नॉन इंपैक्ट क्या होता है, तो आप प्रश्न का आंसर अपने आप ही लगा दीजिए, लगा देंगे। तो पहली बात है प्रिंटर, प्रिंटर एक प्रकार की कौन सी युक्ति है? इनपुट है, आउटपुट है, ये पता होना चाहिए। तो प्रिंटर की बात करें तो एक प्रकार की क्या है? आउटपुट युक्ति है, आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। और तो प्रिंटर का जो आउटपुट है वो कैसा होता है? तो प्रिंटर का आउटपुट हमेशा हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। कैसा होता है? हार्ड कॉपी आउटपुट होता है प्रिंटर। इसके बाद में बात करूं तो प्रिंटर होते हैं दो प्रकार के, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंपैक्ट, इंपैक्ट प्रिंटर, और एक होता है नॉन इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। एक तो होता है इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब देखिए इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, आपने सबने टाइपराइटर देखा होगा, जो स्पेशली जो अपने कोर्ट कचहरी में लगा हुआ होता है, उसमें एक डंडा सा लगा होता है नंबर का, वो आके टकराता है, जिसमें टकराने से प्रिंटिंग होती है ना, वो होते हैं इंपैक्ट। जिसमें चोट मारने से प्रिंटिंग हो रही है वो कौन से होते हैं? इंपैक्ट होते हैं। और जिसमें बिना टकराए प्रिंटिंग होती है वो कौन से होते हैं? नॉन इंपैक्ट। तो इंपैक्ट प्रिंटर की खास बात है, इसमें टकराने से प्रिंटिंग होगी, इसमें क्या होगा? टकराने से प्रिंटिंग, मतलब चोट मारने से कह सकते हैं। और नॉन इंपैक्ट में बिना चोट मारे, बिना टकराए या चोट मारे
अरे ऐसा समझ लीजिए कि जो आपने टाइपराइटर देखा है वो आपके पास क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जैसे कि मैं बात करूं, लेजर प्रिंटर की बात करें, लेजर प्रिंटर आपके पास किसी प्रकार की स्ट्रिप के चोट मारने की जरूरत नहीं है, लेजर किरणों की सहायता से प्रिंटिंग होती है। तो ये कौन सा हो गया, नॉन इम्पैक्ट। यहां जो लेजर प्रिंटर दे रखा है ये नॉन इम्पैक्ट हो गया। इसके अलावा दूसरा आपके पास देखा डॉट मैट्रिक्स, इसमें डॉट की मैट्रिक्स बनी हुई होती है उससे प्रिंटिंग होती है, यहां पे टकराने का काम होता है। तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है ये आपके पास कैसा है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके बाद में बात करूं इंकजेट प्रिंटर, जिसमें स्याही होती है, टकराने का कोई सिस्टम नहीं होता, ये आपके पास नॉन इंपैक्ट है। इसके बाद बबल जेट प्रिंटर है, इंकजेट बबल जेट बबल बनने वाला, ये भी आपके पास कौन से हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो इंपैक्ट और लेजर की फुल फॉर्म लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। सचिन थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन आपके पास क्या होगा, लेजर का पूरा नाम होगा। ठीक है, तो इंपैक्ट प्रिंटर में आपके पास रिबन पे चोट मारने से आपके पास कह सकते हैं प्रिंटिंग होगी। इंपैक्ट प्रिंटर में रिबन पे चोट मारने से प्रिंटिंग होगी, जिसके एग्जांपल डेजी व्हील प्रिंटर है। हाँ जी, तो यहां पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है, सबके सब कैसे प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण नेटवर्क संस्थिति नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है ये आपको बताना है। अब सबसे पहले नेटवर्क टोपोलॉजी का होता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है नेटवर्क जोड़ने का प्रकार, नेटवर्क जोड़ने का प्रकार। और नेटवर्क जोड़ने का प्रकार आपके पास स्टार हो सकता है, स्टार में नेटवर्क जोड़ सकते हैं, आपके पास रिंग हो सकती है, रिंग में नेटवर्क जोड़ सकते हैं, आपके पास बस भी आपके पास क्या हो सकती है, नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, स्टार है, रिंग है, बस है, ये आपके पास क्या होती है, नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, मेन नेटवर्क टोपोलॉजी। लेकिन डेजी चेन आपके पास नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं होती है, स्टार रिंग और बस ये आपके पास क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी है, डेजी चेन आपके पास नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई, सभी सही आंसर दे रहे हैं, डी आंसर दे रहे हैं, डेजी चेन नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, स्टार रिंग और बस आपके पास नेटवर्क टोपोलॉजी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सबसे उच्च चालकता वाली धातु कौन सी है, हाईएस्ट कंडक्टिविटी, सबसे ज्यादा चालकता किसकी है, सोने की है, तांबे की है, आयरन की है, चांदी की है, किसकी चालकता सबसे ज्यादा है। तो मैं बात करूं, सबसे पहले ये सब की सब क्या है, धातुएं हैं, धातुएं चालक होती है, सबसे पहला पॉइंट तो आपको बताना चाहिए, धातुएं चालक होती है, ये विद्युत और ऊष्मा दोनों की चालक होती है धातुएं। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, तापमान बढ़ने पर चालकता इनकी क्या होती है, कम होती है, सॉरी चालकता इनकी कम होती है, प्रतिरोध इनका बढ़ता है, धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, चालकता कम होती है। सबसे अच्छा चालक होता है अपने पास चांदी, सबसे अच्छा चालक आपके पास होता है चांदी। और यहां ये जो तो चारों पदार्थ लिखे हुए हैं इनमें चालकता का क्रम, जो प्रश्न में दे रखे हैं इनमें चालकता का क्रम क्या होगा, इनमें चालकता का क्रम हो जाएगा, सबसे अच्छा कौन सा है, चांदी है, उससे कम कौन सा है, सोना है, उससे कम कौन सा है, तांबा है, उससे कम कौन सा है, लोहा है। तो इनमें सबसे कम चालकता तो लोहे की है और सबसे ज्यादा चालकता किसकी है, चांदी की। इनमें सबसे कम चालकता लोहे की है और सबसे ज्यादा चालकता किसकी है, चांदी की है।
तो यहां पर जो सही आंसर आएगा, सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। डी सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। व्हाट टिगरिंग मोड इज यूज्ड फॉर कीपिंग ए सिंगल पल्स इन द ऑसिलोस्कोप। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑसिलोस्कोप में कौन सा टिगरिंग मोड का प्रयोग करते हैं किसी क्लॉक पल्स को पकड़ने के लिए? फटाफट आंसर दीजिए, सीधा याद रखने वाला क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। ऑसिलोस्कोप में किसी पल्स को पकड़ने के लिए कौन सा ट्रिगरिंग मोड काम में लिया जाता है? और ऑटो काम में लेते हैं, नॉर्मल काम में लेते हैं, स्टेप काम में लेते हैं, एज काम में लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर डीएसओ है तो वहां पर ऑटो का प्रयोग करते हैं, और ऑसिलोस्कोप में नॉर्मल ट्रिगरिंग मोड का काम में लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक मैथ्स का क्वेश्चन भी पेपर में था तो मैंने उसको भी इंक्लूड कर लिया, वो भी साथ साथ कर लीजिए, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, √27 − √12 + 3√3। तो क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है? देखो, इसरो के पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन भी आते हैं, टेक्निकल तो आएगा ही आएगा। तो एक क्वेश्चन ये मैथ का था, इसको साथ में इंक्लूड कर लिया है, आप लोग प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन है √27 − √12 + 3√3। आप 27 को क्या लिख सकते हैं? 27 को 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 3 लिख सकते हैं, 3√3। यहां एक 3 का जोड़ा बन गया, 3√3 बच गया। माइनस 4 का वर्गमूल 2 √3 + 3√3, तो ये कितना हो गया? 3 और 3 कितना? 6 − 2 कितना हो गया? 4√3 सही आंसर होगा। सही आंसर हो जाएगा ए, 4√3। ये आप लोगों ने नहीं किया, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 में से आपके पास 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4√3 बचेगा ना। आपने 2√3 कैसे आंसर दे रहे हो भाई? सभी डी दे रहे हैं। अरे मैथ्स इतनी कमजोर है क्या आप लोगों की? हैं? इसरो एसडीएससी का एडमिट कार्ड आ गया। बहुत बढ़िया, एडमिट कार्ड जिनका आ गया है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1.5 वोल्ट 2 एम्पियर और की रेट किए गए सेल का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से 6 वोल्ट 4 एम्पियर और क्षमता के लिए कौन सा संयोजन काम में लेंगे? अब आपको मैंने कल भी सिखाया था ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था ये। मैंने कहा था कि AX क्षमता तो किसमें जुड़ती है? समांतर में। और वोल्टेज किसमें जुड़ता है? श्रेणी क्रम में। ये चीज आपको मैंने बताई थी, करंट और AX क्षमता समांतर में जुड़ती है और वोल्टेज किसमें जुड़ता है? श्रेणी क्रम में। मैं वापस में लिख देता हूं, चीजें याद रखने वाली चीज है कि श्रेणी क्रम में आपके पास क्या जुड़ता है? श्रेणी में जुड़ता है वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ता है। श्रेणी में क्या बढ़ती है? शक्ति बढ़ती है। लेकिन समांतर में क्या बढ़ता है? समांतर कह दो, संट कह दो, समांतर में क्या बढ़ती है? धारा बढ़ती है। समांतर में क्या बढ़ती है? AX क्षमता बढ़ती है। समांतर में धारा बढ़ती है, समांतर में AX क्षमता बढ़ती है, दोनों समांतर में बढ़ती है। अब बात यह आती है कि ये जो आपके पास 1.5 वोल्ट के सेल है, 6 वोल्ट चाहिए, यानी कितने सेल जोड़ने पड़ेंगे? 4 सेल जोड़ने पड़ेंगे। ये 1.5 1.5 वोल्ट वाले 4 सेल जोड़ेंगे तब कितना वोल्ट हो जाएगा? 6 सेल, 1.5 वोल्ट वाले 4 सेल, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ठीक है। अब AX क्षमता तो इनकी 2 ही एम्पियर हो रहेगी, अब इसको 4 करना है तो ऐसे 2 बार जोड़ने पड़ेंगे तब आपकी AX क्षमता बढ़ेगी। ऐसे 2 बार जोड़ोगे तब AX क्षमता बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है आपके पास 1.5 वोल्ट वाले जो सेल है, 4 सेल तो कितने का, कौन से क्रम में आएंगे? श्रेणी क्रम में। और वैसे ही 2 पंक्तियां कौन से में आ जाएगी? समांतर में। सबसे पहले श्रृंखला में 4 सेल सही बात है, समांतर में 4 गलत है।
श्रृंखला में चार सेलों की दो समांतर प्रतियां पंक्तियां, दो समांतर पंक्तियां सही आंसर हो गया। ये गलत हो गया क्योंकि यहां पर एक ही पंक्ति की बात की गई। श्रृंखला में दो सेल बनाएंगे तो केवल और केवल 3 ही वोल्ट होगा, 6 वोल्ट नहीं होगा। तो सही आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। श्रृंखला में चार सेल होंगे और श्रृंखला में चार सेल होंगे और उनकी कितनी पंक्तियां होगी, दो पंक्तियां होंगी। अभी एनआरसी के एडमिट कार्ड नहीं आए बच्चों, उसके नहीं आए, उसके तो अभी लेट होगी। सी आंसर होगा, बहुत ही बढ़िया, सब सी आंसर दे रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट दे रखा है, मैं सर्किट को वापस से बना देता हूं क्योंकि दिखेगा नहीं प्रॉपर, और प्रॉपर नहीं दिखेगा तो आंसर भी नहीं आ पाएगा। तीन सौ ओम, 50 ओम, 100 ओम, 100 ओम, 100 ओम, 200 ओम, 200 ओम, और ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकालना है। एसडीएससी के एडमिट कार्ड कब आएंगे, आ जाएंगे भी? हाँ जी, क्या आंसर होगा? 150 वोल्ट, 150 हम दे रहे हैं। देखिए कैसे करना है मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले ये तो 300 है, अभी तो इसका कोई लेना देना नहीं है, पहले 300 वाले को छोड़ दीजिए, 300 ओम तो है ही है। और इसके बाद वाला क्या है, ये 100 और 100 क्या हो गए 50, ये 200 200 क्या हो गए 100। तो ये आपके पास एक तो 50 ये रह गया, एक इन दोनों का 50, 50 ओम 50 ओम, ये 100 ओम, और वो 200 200 कितने हो गए, 100 ओम के हो गए। तो कितना हो गया, 100 100 200 और कितना हो गया 300। तो आपके पास 300 तो ये है और 300 ही और हो गया, तो 300 300 कितना हो गया, 150 ओम हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 150 ओम। ध्यान दीजिएगा आप लोग, समांतर क्रम में अगर दो समान प्रतिरोध है तो परिणामी उनके मान का आधा होता है। तो डायरेक्ट आधा कर दीजिए, 100 150 200 200 कितना 100, तो ये कितना हो गया 50 50 100 100 200 300 300 300 समांतर में हो गया, तो कितना हो गया 150 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एएम डी मॉड्यूलेशन की टेक्निक क्या है। ऑप्शन दे रखा है, इनवॉल्व डिटेक्टर है, फेज लॉक लूप है, क्वाड्रेचर डिटेक्टर है, रेशियो डिटेक्टर है, कौन सी टेक्निक के द्वारा एएम डिटेक्शन किया जाता है, कौन सी टेक्निक के द्वारा एएम डिटेक्शन किया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा एएम डिटेक्शन के बारे में समझा देता हूं, क्या होता है एएम डिटेक्शन, एएम डिटेक्शन देखिएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो रिसीवर पे प्राप्त होता है, ऐसा कह दीजिए रिसीवर पर प्राप्त होने वाले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल से संदेश सिग्नल प्राप्त करने की प्रक्रिया, एएम डिटेक्शन कहलाती है। ठीक है, तो रिसीवर पर प्राप्त होने वाले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल से संदेश सिग्नल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही एएम डिटेक्शन कहलाती है। और एएम डिटेक्शन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं एएम डी मॉड्यूलेटर जो काम में लेते हैं, डी मॉड्यूलेटर, तो
तो उसमें सबसे ज्यादा जो प्रयोग में लिया जाता है वह है इनवेलॉप डिटेक्टर। इनवेलॉप डिटेक्टर का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो यहाँ एएम के लिए इनवेलॉप डिटेक्टर को काम में लेते हैं, बाकी किसमें काम में आते हैं, एफएम में काम में आते हैं। एएम में कौन सा काम में आएगा, इनवेलॉप डिटेक्टर, और बाकी किसमें आएगा, एफएम में काम में आएगा। जैसे कि आपके पास फेज लॉक लूप है, ये एफएम में काम में आएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और कह रहा है एक 12 वोल्ट एसएमपीएस, एसएमपीएस का क्वेश्चन है। पहली बात तो एसएमपीएस का क्वेश्चन है, 12 वोल्ट एसएमपीएस के निर्गम को एसी युग्मन समर्थित दोलनदर्शी द्वारा उचित समयाधार आतंता आयाम के साथ मॉनिटर किया गया। कहने का मतलब है एक 12 वोल्ट का एसएमपीएस, उसके आउटपुट को जोड़ा गया है एसी ऑसिलोस्कोप, जो बारीकी से एक एक चीज को क्लियर दिखाता है, ऐसा ऑसिलोस्कोप से जोड़ा गया है। अब कह रहा है कि उसके आउटपुट पे आपको क्या नजर आएगा, क्या 0 वोल्ट नजर आएगा, क्या 12 वोल्ट की डीसी नजर आएगी, उर्मिका के साथ 12 वोल्ट की डीसी नजर आएगी या केवल उर्मिका नजर आएगी, क्या नजर आएगा इसके आउटपुट पर। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस का पूरा नाम आपको पता ही होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। पहली बात तो यह है कि जो एसएमपीएस होते हैं ना, इनकी विशेष चीजें हैं, इनमें शक्ति ह्रास कम होता है, शक्ति ह्रास कम, इनका आकार छोटा होता है, दूसरी बात कह सकते हैं आकार छोटा होता है, तीसरी बात कह सकते हैं इनकी जो डीसी प्राप्त होती है ये प्योर प्राप्त होती है, प्योर डीसी प्रदान करते हैं एसएमपीएस। ये तीन इसकी मुख्य बात है, शक्ति ह्रास कम होता है, आकार छोटा होता है, और इनसे जो डीसी प्राप्त होती है वह प्योर डीसी प्राप्त होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो एसएमपीएस का आउटपुट होगा, 12 वोल्ट का एसएमपीएस है तो आउटपुट क्या होगा, 12 वोल्ट डीसी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, एक अगला क्वेश्चन है, तीन इनपुट नैंड गेट का लॉजिक जीरो पर है, आउटपुट जीरो पर है, नैंड गेट के इनपुट एबीसी क्या हो सकते हैं। सबसे पहले नैंड गेट होता क्या है, नैंड गेट, नैंड गेट की सबसे पहली बात करें तो ये तो यूनिवर्सल गेट है, पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए ये कैसा गेट है, यूनिवर्सल गेट है। नैंड गेट कैसा गेट है, यूनिवर्सल गेट है। दूसरी बात होनी पता होनी चाहिए ये किससे बनता है, नॉट गेट और एंड गेट से बनता है, ये किससे बनता है, नॉट गेट व एंड गेट से कौन सा गेट बनता है, नैंड गेट बनता है। और तीसरी बात ये काम क्या करता है, इसमें एंड का काम होता है गुणा करना, गुणा करके उल्टा, नॉट का काम होता है उल्टा, इसका काम हो गया गुणा करके उल्टा, जिसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये क्या करेगा सभी इनपुट की या किसी भी इनपुट की, किसी भी इनपुट की अनुपस्थिति दर्शाएगा, अनुपस्थिति दर्शाता है। मैं इसकी टेबल बना देता हूं ताकि आपके क्लियर हो जाएगा, ए बी सी और आउटपुट, ए बी सी और आउटपुट, देखिएगा ये आपके पास जीरो गुणा करके उल्टा करेगा, एक 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 जीरो, तो इसका जीरो तभी मिलेगा जब तीनों इनपुट क्या हो, एक हो, तीनों इनपुट एक हो, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, सी सही आंसर होगा। सभी ने सी आंसर दिया, लगभग स्टूडेंट ने सी आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया। शायद नीचे का दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, मैं उसको सही कर देता हूं, अभी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है फेज लॉक लूप। अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, फेज लॉक लूप का प्रयोग कहां करते हैं, एम में तो नहीं करते, पीसीएम में भी नहीं करते, इसका प्रयोग किस में किया जाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन
डीमोडुलेशन के लिए किसका काम में लेते हैं, फेज लॉक लूप को काम में लेते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन था ये भी, थोड़े पहले देखा है हमने जहां पर इनवलॉप डिटेक्टर था उसी के साथ में फेज लॉक लूप में को काम में लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डीमोडुलेशन के लिए काम में लेते हैं। सी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए फेज लॉक लूप को काम में नहीं लेते हैं भाई, नहीं पल्स कोड के लिए काम में लेते हैं। सही आंसर आपके पास सी होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, 8051 में कितने 16 बिट रजिस्टर होते हैं। ये तो आसान सा याद रखने वाला क्वेश्चन है, 8051 में कितने 16 बिट रजिस्टर होते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। और एक क्वेश्चन और रहेगा अभी, हाँ जी, तो बता दूं मैं आपको, 8051 में 16 बिट रजिस्टर, माइक्रो कंट्रोलर में 16 बिट रजिस्टर, केवल और केवल कितने होते हैं, दो होते हैं। 8051 में 16 बिट रजिस्टर केवल और केवल कितने होते हैं, दो होते हैं। ये बी आंसर कैसे दे रहे हैं भाई दिनेश, दो होते हैं, बी नहीं सी होगा, बी नहीं सी होगा, ठीक है। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन है 8.8 वोल्ट कटौती वोल्टा की एक एलईडी को, यानी कि एक एलईडी है जिसका वोल्टेज कटौती वोल्टा कितना है 8.8 वोल्ट, 1.1 किलो ओम के प्रतिरोध से 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है, और एलईडी के आर पार प्रवाहित होने वाली धारा आपको निकालनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए फटाफट, आंसर दीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। तो बहुत बढ़िया बच्चों ने आंसर दे भी दिए हैं ना, आई बराबर क्या होगा 12 माइनस 1.8, ये वोल्टेज खा जाता है, इसको माइनस करेंगे, 1 किलो ओम है 10 की घात 3, तो 12 माइनस 1.8 कितना हो गया 10.2, और किलो ऊपर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, मिली में चेंज हो जाएगा, यानी कि 10.2 मिली एम्पियर। बहुत बढ़िया, सभी 10.2 आंसर दे रहे हैं। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, अभी ये पेपर बड़ा है, कल की क्लास में कंटिन्यू रहेगा। तो सभी का श्री संकल्प प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये क्लास कैसी रही ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहें। कल शाम को फिर मिलेंगे 7 बजे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।